दोस्तों टोटल सॉल्यूशन मिलन में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही अनोखा है, वीडियो को पूरा देखिए, बहुत कुछ आप जान सकोगे। तो देखिए टॉर्च लाइट जो है दोस्तों, ये इसका एलईडी ग्लो हो रहा है, लेकिन इसका जो सर्किट है दोस्तों वो बर्न हो गया है, पूरा जल गया है। इसका जो एसी वाला सेक्शन है इसमें आपको कंडेंसर फटा हुआ दिखेगा, लेकिन इसका जो ड्राइवर है, ड्राइवर का दूसरा साइड में जो डीसी वाला सेक्शन है, तो वो वाला सेक्शन जो है बिल्कुल सही है। तो इस तरह का सर्किट कोई भी टॉर्च में होता है तो उसका ज़्यादातर एसी वाला सेक्शन ही खराब हो जाता है, जल जाता है। तो आप लोग इसको फेंके मत, बहुत ही आसानी से रिपेयर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है क्योंकि इसका डीसी वाला सेक्शन बिल्कुल सही रहता है, इसका चार्जिंग आईसी भी सही रहता है, और कभी कभी अगर चार्जिंग आईसी भी खराब रहता है तो उसका भी हम वीडियो डाल देंगे। तो इसमें हमको क्या करना होगा, इसका जो एसी वाला सेक्शन है जो कि एसी इनपुट होता है, वहाँ से ड्राइवर होने के बाद जो कि वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद 5 वोल्ट निकलता है, फिर कॉन्डेंसर में जाता है और वहीं से चार्जिंग आईसी में जाता है, फिर बैटरी को चार्ज करता है। तो दोस्तों एसी वाला सेक्शन खराब है तो हम क्या करेंगे, ड्राइवर को उठा लेंगे और ड्राइवर का आगे जितना भी कंपोनेंट है एसी सेक्शन में जहाँ पे 220 वोल्ट आता है, तो वो वाला सेक्शन में जितना भी कंपोनेंट है उसको हम उठा लेंगे एक एक करके। तो उसमें जो ब्लास्ट हुआ कॉन्डेंसर है उसको भी उठा लेंगे। इसको आप रिपेयर करने की कोशिश मत करो, ये होगा नहीं, एसी वाला सेक्शन ये बिल्कुल जल जाता है, ये छोटा छोटा कंपोनेंट रहता है, जेनर भी लगा हुआ रहता है, तो इसको हम हटा देंगे। ये देखिए हटा दिया है। अब डीसी वाला सेक्शन हमारा बिल्कुल ओके है, कैसे पता चलेगा, हम बाहर से इसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यही पे जो एक कॉन्डेंसर आपको दिखेगा छोटा छोटा सा, ये देखिए यही पे जहाँ पे हम पेस्ट लगा रहे हैं, तो यही पे हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे कंडेंसर का, नेगेटिव में नेगेटिव और पॉजिटिव में पॉजिटिव। और दोस्तों वायर हमको इसके अंदर ही मिल जाएगा जो कि पहले चार्जिंग के लिए, ये देखिए जो वायर लगा हुआ था इसी सर्किट में उसी वायर का यूज करेंगे। तो ये देखिए यही पे जो है कंडेंसर का पॉजिटिव वाला जो लाइन है वो आया है, तो यही पे हम एक वायर सोल्ड कर देते और दूसरा वायर जो है दोस्तों कंडेंसर का नेगेटिव में हम सोल्ड करेंगे। तो ये देखिए ये जो कंडेंसर का नेगेटिव है उसको देख के हम उसमें सोल्ड कर देंगे, ये देखिए अच्छे से हम इसको सोल्ड करेंगे, लूज कांटेक्ट ना हो जाए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम 5 वोल्ट का कनेक्शन देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि एलईडी ग्लो हो रहा है, और बैटरी का जो पॉजिटिव वाला वायर है दोस्तों उसको हमने खोल दिया है वोल्टेज को चेक करने के लिए। तो ये देखिए हमारा एलईडी जो है ग्लो हो रहा है, तो मतलब डीसी वाला सेक्शन सही है। अभी हमको देखना है आउटपुट में हमारा वोल्टेज जो है 4.2 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, क्योंकि नहीं तो बैटरी चार्ज नहीं होगा दोस्तों। तो ये देखिए मल्टीमीटर को डीसी मोड में रख दिया है, अब हम वोल्टेज को चेक करेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रॉप को लगा के। ये देखिए वोल्टेज जो है दोस्तों बिल्कुल 4.2 वोल्ट आ रहा है, मतलब हमारा सर्किट में चार्जिंग आईसी बिल्कुल सही है क्योंकि हमने 5 वोल्ट अप्लाई किया है। तो ये देखिए तो 5 वोल्ट अप्लाई किया है, हमारा जो सर्किट है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। अभी हम इसको कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों ये जो पॉजिटिव वाला वायर है हमने जिसको लगाया है, तो बोर्ड के पिछले हिस्से में भी हमको इसका फॉइल मिल जाएगा और आगे भी मिल जाएगा। तो हम एक IN4007 डायोड लेंगे क्योंकि बैक वोल्टेज ना आए, हम चार्ज तो इसको करेंगे तो बैक वोल्टेज ना आए, कभी कभी चार्जर लगा हुआ रहेगा तो आपका बैक वोल्टेज आएगा तो वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है या आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो कोई बात नहीं, हम एक डायड लगा देंगे IN4007। तो ये दोस्तों ये जो डायड है थोड़ा सा वोल्टेज भी ड्रॉप करता है, एम्पियर भी ड्रॉप करता है, तो अगर किसी किसी बंदा लोग हाई एम्पियर का जो चार्जर है उसी से चार्ज करता है तो उसमें चार्जिंग आईसी डैमेज होने के चांस रहता है, लेकिन IN4007 डायड को लगाने से आपका एम्पियर और वोल्टेज भी काफ़ी हद तक जो है एडजस्ट हो जाता है।
तो ये देखिए हमने एक IN4007 लगा दिया है, और इसमें देखिए नेगेटिव जो है कंडेंसर का नेगेटिव में, और पॉजिटिव जो है हमने एक डायोड लगा के कंडेंसर का पॉजिटिव में कनेक्शन दे दिया है। अब डायोड का निचले हिस्से में थोड़ा सा हम मास्किंग टेप को लगा देंगे, क्योंकि हो सकता है हाथ से टॉर्च गिर जाए या कुछ हो जाए, कहीं पे टक्कर लगे तो डायोड का दूसरा वाला लेग जो है बोर्ड में शॉर्ट हो सकता है। अब देखिए इसमें चार्जिंग कनेक्टर हम कहाँ पे लगाए, एक मुश्किल वाला काम है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको सेट कर सकते हो। तो ये देखिए हम इसको दिखाएंगे, पहले आपको बोर्ड को जो है दोस्तों टॉर्च के अंदर सेट करना पड़ेगा। तो सेट करने के बाद आपको जगह जो है मिल जाएगा कि कौन सा जगह में हम कनेक्टर को बैठा सके। तो बैटरी का पॉजिटिव वाला वायर भी हम लगा देते, तो ये देखिए पॉजिटिव वाला वायर लगा दिया है। अब हमको सिर्फ कनेक्टर को जोड़ना है। तो ये देखिए ये जो एक स्क्रू था वो जंग आ गया था, तो उसको हमने आयरन के मदद से बाहर निकाला, तो उस जगह में एक छेद हो गया। तो इसी छेद से हम चार्जिंग कनेक्टर को लगा सकते हैं, और इसके बगल में सर्किट भी अच्छे से बैठ जाएगा और बैटरी भी बैठ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हम कटर के मदद से जो है काट के जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक है उसको हटा देते, क्योंकि इस जगह में स्क्रूप लगा हुआ था। और दोस्तों ये स्क्रूप अगर आप नहीं भी लगाओ कोई बात नहीं, सामने से तो जो पैच है दोस्तों टॉर्च का वो लगा हुआ रहता है, और पिछले हिस्से में एक स्क्रूप लगाएंगे, तो मिडिल में अगर एक स्क्रूप ना रहे तो कोई बात नहीं। तो ये देखिए बोर्ड को हमने अच्छे से सेट किया, और उसके बाद बैटरी और बोर्ड के मिडिल में हम ये चार्जिंग कनेक्टर को बैठाएंगे। तो इसको बैठाने के लिए आयरन के मदद से हम होल को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और दोस्तों इतना भी बड़ा मत कर दो कि चार्जिंग कनेक्टर लूज हो जाए। तो इसको लगाना तो है लेकिन थोड़ा सा टाइट करके हमको लगाना है, क्योंकि बार बार आप इसको चार्ज करोगे और खोलोगे नहीं तो चार्जिंग कनेक्टर उखड़ के हाथ में आ जाएगा। और दोस्तों ये चार्जिंग कनेक्टर जो है ये थोड़ा सा टाइट रहता है, तो इसका भी एक फॉर्मूला है, हम बाद में दिखाएंगे कि कैसे इसको आप थोड़ा सा लूज भी कर सकते हो अच्छे से। मैं उसको लूज करके ही बैठा था हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं दिखा नहीं पाया, वो बाद में हम दिखाएंगे। तो ये देखिए पहले हम इसका पॉजिटिव वाला वायर को सोल्ड कर देते हैं, जो कि IN4007 में लगा हुआ है। यही से पॉजिटिव जाएगा और डायड होके कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर होके चार्जिंग आईसी में जाएगा, फिर बैटरी को चार्ज करेगा चार्जिंग आईसी। अभी दोस्तों चार्जिंग आईसी भी अगर डैमेज हो जाता है तो उसका भी जगह में आप दूसरा सर्किट का यूज कर सकते हो। तो अगर कोई टॉर्च में चार्जिंग आईसी डैमेज होता है तो उसका भी हम वीडियो बना के दिखा देंगे। तो ये देखिए नेगेटिव को हमने जोड़ दिया है, तो इसको जोड़ने के टाइम में दोस्तों कम से कम टाइम में आप इसको सोल्ड करें, क्योंकि ज़्यादा हीट होने के कारण जो है ये कनेक्टर कनेक्शन छोड़ देता है। अब ये देखिए चार्जर लगा के हम देखते हैं ये चार्ज हो रहा है। अभी दोस्तों फुल चार्ज होने के बाद LED का जो कलर है वो भी चेंज होगा। आपका पहले जो है AC 220 वोल्ट में आप टॉर्च को चार्ज करते थे, अभी कोई भी मोबाइल चार्जर से आप इसको चार्ज कर सकते हो, और पहले जैसे ही परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। तो अभी देखिए इसको हम सेट करेंगे। ये देखिए ये बोर्ड को सेट करने के बाद दो स्क्रूप लगा हुआ रहता है दोस्तों, दोनों स्क्रूप को हमको लगाना पड़ेगा, इसमें चूक ना हो जाए, क्योंकि साइड में ही चार्जिंग कनेक्टर है। अब बोर्ड लूज होगा तो चार्जिंग कनेक्टर में प्रॉब्लम हो सकता है, कोई वायर टच हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है। दोनों बोर्ड में आपको स्क्रूप लगाना है, और उसके बाद देखिए
ये जो बैटरी है और चार्जिंग कनेक्टर का जो पिन है थोड़ा सा हम टेढ़ा कर देंगे और उसके ऊपर में हम मास्किंग टेप लगा देंगे कि बाई चांस बैटरी का जो नेगेटिव या पॉजिटिव है उसके साथ चार्जिंग कनेक्टर शॉर्ट ना हो जाए। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा बैटरी जो है वो बैठ गया है, चार्जिंग कनेक्टर भी बैठ गया है और ऊपर वाला ढक्कन भी हम बैठाएंगे। और दोस्तों पिछले हिस्से में जो कनेक्टर था एसी कनेक्शन के लिए तो उसको भी हम लगा देंगे, नहीं तो पिछले हिस्से में बहुत जगह फका हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। तो ये देखिए अब हम इसमें स्क्रू को लगाएंगे, फिर टॉर्च को हम जला के दिखाएंगे। दोस्तों अभी भी बैटरी फुल चार्ज नहीं है क्योंकि चार्ज कर नहीं पाया कस्टमर, क्योंकि चार्ज करने के टाइम में एक ब्लास्ट हुआ था और कंडेंसर फूक गया था दोस्तों। तो ये देखिए हम इसका ढक्कन लगा के इसको चार्ज करके दिखाएंगे और इसको जला के भी दिखाएंगे, चार्ज हो रहा है कि नहीं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो अभी इसका जो स्विच है दोस्तों थोड़ा सा हमको टाइट लगा, तो इसमें थोड़ा सा हम 2 बूंद मिट्टी का ऑयल डालेंगे। 2 बूंद मिट्टी का ऑयल डालने के बाद और 1 बूंद जो है दोस्तों मैं लिक्विड डालूंगा, जो कि हमने नारियल का ऑयल और थोड़ा सा मोबिल को मिक्सिंग करके बनाते हैं, तो बहुत ही अच्छे से काम करता है। आप कोई भी स्विच में डालोगे तो वो एकदम जिंदा हो जाएगा, स्विच चकाचक चलने लगेगा। तो ये देखिए अभी जो है एकदम बिल्कुल स्मूथ हो गया स्विच। अभी हम इसको चार्ज में लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि चार्ज हो रहा है। तो ये देखिए चार्ज हो रहा है इसमें। अभी हम एलईडी को जलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये देखिए चार्ज हो रहा है। अब क्योंकि बैटरी में थोड़ा सा जो है चार्ज है, पूरा चार्ज नहीं है, तो हम जब चार्जर लगाएंगे तो इसका रोशनी जो है कम ज़्यादा आपको दिखेगा। ये देखिए थोड़ा रोशनी कम है अभी चार्जर लगाने से, ये देखिए रोशनी इसका ज़्यादा हो गया, मतलब हमारा चार्ज जो है दोस्तों वो हो रहा है बिल्कुल सही से। तो आप लोगों के पास अगर ऐसा टॉर्च लाइट होता है तो आप उसको आसानी से रिपेयर कर सकते हो। इस वीडियो को देख के वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो ओके, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।